आपका हमारा क्लास 9 का जो है वो लेक्चर नंबर 28 है और आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उसके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके लास्ट 3 पार्ट्स रहते थे, आज का हम वो सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में आपको पढ़ना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें फार्मूला जो है वो पहले फर्स्ट वैल्यू पे नहीं लग रहा था, लास्ट 3 पे लग रहा था। अब इस क्वेश्चन में फार्मूला बेटा जो है वो फर्स्ट 3 वैल्यूज पर लग रहा है, तो अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। 25 किसका स्क्वायर होगा 5x का, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू 5x और b की वैल्यू क्या है 1, और 36 b स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर और z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा z का। सो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इक्वल हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इनटू माइनस 6z का होल स्क्वायर। अब यहां कौन सा फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस कर देंगे प्लस 6z, और दोनों वैल्यूज को एक दफा माइनस कर देंगे माइनस 6z। ये प्लस फार्मूले का है और ये माइनस फार्मूले का है। अच्छा ये देखिए माइनस के पास सिंगल वैल्यू है, तो माइनस के पास एक वैल्यू है, तो इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें माइनस के पास दो वैल्यूज आ रही थी, सो उसे हम लोग इसमें लिखते थे ब्रैकेट में लिखते थे। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम बेटा इसी तरीके से होगा। अब इससे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स जी हमें बता रहा है कि एक्स और जी की वैल्यूज कंबाइन होगी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब कैसे पता चला, क्योंकि xz ने हमें बता दिया कि x और z की वैल्यूज जो है ये कंबाइन होंगी। अब इसे फार्मूला बनाएं, x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा x का, और z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा z का, दरमियान में माइनस है, ये आई थिंक 4z स्क्वायर है, इसके अंदर 4z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा बेटा 2z का स्क्वायर होगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 2z। इसको दोबारा देखें, xz ने हमें बताया कि x और z की वैल्यूज कंबाइन होंगी, सो x और z की वैल्यूज को हमने कंबाइन कर लिए। अब यहां फार्मूला बनाते हैं, x स्क्वायर होगा x का स्क्वायर और 4z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा 2z का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2z, और माइनस y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा y का। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसके ऊपर फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस कर देंगे ये प्लस फार्मूले का, और इसी तरह दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे माइनस ये माइनस फार्मूले का y, a प्लस b फिर a माइनस b। ओके बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम के सेम, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आया कि आपको अरेंज करना पड़ा x और z की वैल्यूज को आपको पहले लिखना पड़ा, इससे भी फर्स्ट 3 का फार्मूला लगा, इससे भी फर्स्ट 3 का फार्मूला लगा।